स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में, जो आपको समय समय पर आपकी गणित संबंधी सभी समस्याओं का समाधान आपके सामने लाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आपके वृत्त वाला जो अध्याय है एनसीईआरटी की पुस्तक के हिसाब से के अनुसार, जो आपका वृत्त वाला चैप्टर है उसका अध्याय नंबर 10 जो है उसकी उसमें एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर 10.2। तो आज हम उसी प्रमेय को सॉल्व करने की बात करेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे। और इस प्रमेय को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके वृत्त वाले पहले वीडियो में वृत्त संबंधी कुछ बातों में ये प्रमेय बताई थी, तो इस प्रमेय को आज हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्रमेय है क्या और फिर उसका उसको सॉल्व करने का तरीके भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये प्रमेय है, प्रमेय नंबर 10.2 है आपका वृत्त वाला अध्याय है, अध्याय नंबर 10। तो प्रमेय आप पढ़िए, लिखा हुआ है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी कि आपस में वो बराबर होते हैं। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, तो यानी कि आपके पास एक वृत्त हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने वृत्त ले लिया, मान लीजिए इसका केंद्र है ओ, हम इसका केंद्र ओ मान चलते हैं। तो इस पर जो है बाह्य बिंदु से कोई एक हम बाह्य बिंदु यहां पर मान लेते हैं, मान लीजिए ये पी बिंदु यहां पर है, इस पी बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है जिन जो कि आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो हमें सिद्ध करना है कि वो बराबर होंगे, तो पहले एक स्पर्श रेखा खींच तो दें, इस तरह से हमने स्पर्श रेखा खींची है, थोड़ा सा आर्ट में दिक्कत होती है, एनीवे कोई नहीं। तो ये आपके जो है वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि वृत्त को मान लीजिए एक एक जगह पर क्यू बिंदु पर स्पर्श करता है और एक बिंदु पर आर पर स्पर्श करता है। तो हमने सिद्ध करना, अब ये रचना में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, पहले रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में आपने लिखा यहां पर ओ केंद्र का वृत्त लिया, ये थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका रचना वाला सवाल है, तो ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, वृत्त लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहां पर लिखना पड़ेगा बाह्य बिंदु पी से, बाह्य बिंदु पी से आर व क्यू पर स्पर्श रेखाएं खींची, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको ढंग से, ठीक है। और इसका आप ओ क्यू मान लीजिए यहां पर पॉइंट है, आप ओ आर को मिला लीजिए, फिर लिखना पड़ेगा यहां पर आपको ओ क्यू व ओ आर को मिलाया। यहां तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, यहां तक लोग कर लोगे आप, ठीक है। अब हम उत्पत्ति की बात करते हैं, तो उत्पत्ति हम कैसे करेंगे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां पर आपने अब वो कह रहे कि अब यहां पर ये एक चीज ये भी है कि हाँ, इसमें एक रचना आपको और करनी पड़ेगी, इसमें एक मिनट, सॉरी, यहां पर रचना पे आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, ओ व पी को मिलाया, ये भी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, यानी कि ओ पी आपने लिया तो आप ओ और पी को मिला दीजिए इस ढंग से, ठीक है, ये लगे। अब इसका आप करोगे उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में आपने करना क्या है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, पता है यहां पर चित्र से थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, चित्र से ध्यान से देखिए, चित्र से त्रिभुज बन रहा है ना आपके पास, त्रिभुज ओ पी क्यू व त्रिभुज ओ आर पी, ओ क्यू पी और ओ आर पी दोनों क्या है भाई, दोनों समकोण त्रिभुज है। अब क्यों है, क्यों है समकोण त्रिभुज, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या हमेशा कितना समकोण बनाती है, 90 समकोण बनाती है, ये लिखने की जरूरत नहीं आपको पता है। तो ये 90 समकोण बन रहा है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें, इसमें आपको एक चीज और लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इस यहाँ पर लिखना था मैंने, छोड़ दिया मुझसे, चलो कोई नहीं, नहीं लिखा कोई बात नहीं, हमको जो सिद्ध करना है ये दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, पी
क्यू बराबर पी आर, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। तो पी आर इस वाले स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, पी आर, और इस वाली की लंबाई है पी क्यू। तो हमें सिद्ध करना है पी आर बराबर पी क्यू। मीन्स ये जो आपका प्रमेय दी गई है उस प्रमेय आपने ये दो रेखाएं आप इनकी लंबाई आपस में आपने बराबर करनी। तो देखिए त्रिभुज में आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए त्रिभुज में आप लोग क्या देख रहे हो, एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों त्रिभुज में आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिए दोनों त्रिभुज में ये थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ओ क्यू बराबर ओ आर, चित्र में ध्यान से देखिए, ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर। क्यों बराबर है, क्योंकि क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है किसी वृत्त की, ठीक है। और ओ पी बराबर ओ पी, ओ पी बराबर ओ पी, कहने का मीनिंग है ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। क्यों उभयनिष्ठ है, क्योंकि इस ओ पी रेखा से दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। ओ पी रेखा जो ये है, ये त्रिभुज ओ क्यू पी की भी एक रेखा है और त्रिभुज ओ आर पी की भी एक रेखा है, तो ये कॉमन हो गया। तो इसलिए सिंपल, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम हो जाएगा आपका, त्रिभुज ओ आर पी, ये सर्वांगसम आपके सिंपल से है, ये जो जो त्रिभुज की जो सर्वांगसमता होती है उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये इस इन दो गुणों की वजह से ये सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज। तो इसलिए इनकी तीसरी चीज यानी क्या, भुजा क्या हो जाएगी, मतलब तीसरी जो कंडीशन है भुजा की वो भी आपस में बराबर हो जाएगी, यानी कि सिंपल सी बात है। तो तीसरी भुजा की कट वाली कंडीशन है पी क्यू इस त्रिभुज की, यानी कि ओ क्यू पी की भुजा पी क्यू भी बराबर हो जाएगी इस त्रिभुज की भुजा ओ आर पी, यानी कि पी ओ आर की भुजा पी आर के बराबर, संगत जो भुजाएं होगी बराबर, ये पी क्यू बराबर पी आर। और हमने सिद्ध ही करना था क्या, पी क्यू बराबर पी आर, इतनी सिद्धम, इतनी सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो चुका है। थोड़ा सा जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि जो आप सर्वांग समता जो आपके पास है, किस तरह से आपको जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनकी कौन कौन सी कंडीशन, आपने शायद 9th में ही पढ़ा होगा और 10th की जो आपकी अर्ली क्लासेस थी त्रिभुज वाली वहां भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनमें ये कंडीशन होती है कि तीन जो चीजें आपके बराबर होनी चाहिए। इस पर आपने खुद देखा कि ओ क्यू बराबर ओ आर इसलिए बराबर था क्योंकि त्रिज्याएं थी, ओपी बराबर ओपी इसलिए था कि दोनों कॉमन भुजाएं थी, तो भाई वो बराबर तो हो गई, जाहिर सी बात है। तो यानी कि कम से कम दो चीज तो बराबर हैं, तो यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। यदि उनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, वो सर्वांगसम है, तो इसका मतलब कि तीसरी भुजा भी आपस में क्या है, बराबर हो जाएगी, दैट इज पी क्यू इक्वल्स पी आर। तो जो हमने ये तो सिद्ध करना था पी क्यू बराबर पी आर, तो इस प्रकार से ये प्रमेय 10.2 आपके सिद्ध हो गई है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इस पे बेस आप आगे सवाल भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और सबसे अहम बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही फायदा इसमें होने वाला है, ठीक है। और यही है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन के बाद आपका ऑल का ऑप्शन आएगा, जैसे आपकी राइट हैंड साइड में रेड सर्कल आ रहा है इस तरह से आएगा, उसे क्लिक कर दीजिए। जब जब हमारी वीडियो बनाएगी आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी फॉर हाई स्कूल ने एक नई वीडियो तैयार की, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए प्रश्न के साथ, तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।